الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الانبياء وعليكم ولي اتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं और लोगों में से बाज़ वो हैं जो अल्लाह के गैर को उसका शरीक ठहराते हैं और उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत करते हैं और जो ईमान वाले हैं वो सब से बढ़ कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आए मुकद्दसा का बयान ये है कि लोग अल्लाह के सिवा अल्लाह के गैर को उसका शरीक उसके बराबर समझ बैठते हैं कुछ तो खुदा समझ कर गैर अल्लाह को अपना महबूद समझ बैठते हैं और अल्लाह के बराबर अल्लाह का शरीक उसको करार देते हैं कुछ वो हैं जो खुदा न समझ कर भी अल्लाह जैसी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं और उनसे अपनी उम्मीदें अपनी हाजतें वस्ता करके जैसे अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता होनी होती हैं वो उनसे गैरों से वाबस्ता करके उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत करने लगते हैं यानी जैसी मोहब्बत बंदे को खुदा से होनी है वैसी मोहब्बत गैर खुदा से गैर अल्लाह से कर बैठते हैं और जो ईमान वाले हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं बेपनाह मोहब्बत करते हैं टूट टूट के शिद्दत के साथ अशदुलब्ब्ला जब शिद्दत में भी अपनी इंतहा हो शिद्दत की इंतहा हो तो उसको अशद कहा जाता है व लदी न अशद ला वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से, अल्ला से मोहब्बत करने लगते हैं और इर्शाद खुदाबंदी भी यही हुआ है सूर तोबा में इर्शाद हुआ है नबी करीम सल्ह वसलम आप फरमा दीजिए अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा माल तिजारत, जिसके नुकसान से तुम डरते हो और तुम्हारे पसंदीदा मकानात जिस घरों में तुम रहते हो अगर वो अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर तुम्हें महबूब हो जाएं, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो हुक्म खुदावंदी भी यही है अहले ईमान को कि वो सबसे ज़्यादा अल्ला से मोहब्बत करे और जिससे मोहब्बत करे अल्लाह की खातिर ही मोहब्बत करे चुनाचे बुखारी और मुस्लिम के मुतफ अल हदीस हज़रत अनसरदी तारन रिवायत करते हैं अन नबील कलैस मनकी ही वजल ईमान के तीन चीज़ें जिस शख्स के अंदर हों वही ईमान का मज़ा चखता है उसे ईमान का जायका मिल जाता है जिसमें ये तीन चीज़ें पाई जाएं वो तीन खसलतें तीन चीज़ें यह हैंकून <गत्ति> अल्लाह अहब इले ही ममा मिम्मा सिवाहुमा कि अल्लाह और उसका रसूल उन दोनों के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा उसे महबूब हो सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और ये दो मोहब्बतें दो जुदा मोहब्बतें नहीं हैं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक ही है नबी की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह ही की मोहब्बत है जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगी वो रसूल सल्लामा सल से सरकार मदीना से बेपना मोहब्बत करता है तो पहली खसरत अल्लाह और उसके रसूल उन दोनों के सिवा हर एक से ज़्यादा हर शय से ज़्यादा उसे महबूब हो जाते हैं दूसरी खसरत लिल्लाह और वो जिससे भी मोहब्बत करे महज अल्लाह की मोहब्बत की खातिर करे अपनी अगराज की खातिर अपने नफे की खातिर किसी से मोहब्बत ना करे बल्कि जिससे भी वो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए करे रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत की खातिर है अहिल बैस से मोहब्बत अल्लाह की महब्बत की खातिर है सहाबा से मुहबत अल्लाह के नबी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही की खातिर है यूँ ही अपने घर वालों से बीवी बच्चों से यह सब से जो मुहबत होती है ये सब अल्लाह की मोहब्बत ही की खातिर होती है क्योंकि अल्लाह ने इनकी तरबियत इनकी कफालत के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत और मबत को वदीहत फरमाया है तो जिससे भी मोहब्बत हो वो अल्लाह की रजा की खातिर वालदे से मोहब्बत हो तो अल्लाह की मोहब्बत ही की खातिर हो क्योंकि इनको मोहब्बत की निगाह से देखना अल्लाह को पसंद है दूसरी खसलत ये थी तीसरी वकवाफिलकफ़्र अं कमा यक अं वफ़ाफिन नार और कुफर की तरफ लौटने को ऐसे नापसंद करे जैसे खुद को आग में डाले जाने को नापसंद करता है जिस तरह खुद को आग में डाला जाना उसे पसंद नहीं यूं ही ईमान की दौलत मिल जाने के बाद कुफर की तरफ लौटने को ऐसे ही ना पसंद करे तो ये तीन खसलतें जिसमें होती हैं वो ईमान का जायका चख लेता है तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करे और जिससे भी मोहब्बत करे वो फकत अल्लाह ही की मोहब्बत की खातिर करे इसकी मोहब्बत में बड़ी चाशनी है और इस मोहब्बत का बेपना फ़ायदा है अजर अजीम भी है चुनाचे हज़रत अनस अनसबिन मालिक रदील तन रिवायत करते हैं ये भी बुखारी मुस्लिम के मुतफ़्र हदीस है और अल्फाज मुस्लिम शरीफ के हैं अन अरबिकन रसूल सला एक आरबी देहाती शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है आकाय करीम सल्लासमियामत कब कायम होगी रसूल सल्हस में आकाय करीम सल्हसम ने उस आरबी से इर्शाद फरमाया तू ने क़ियामत की तैयारी क्या कर रखी है गाल्बल व रसूल ही उसने कहा क़ियामत की तैयारी यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरी तैयारी है मेरा ज्यादा आखिरत है यही मेरा तोशा है मैंने तैयारी यह की है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा सवाल क्यामत के बारे में हुआ तो जवाब भी यही है कि क्यामत में तू उसी से मोहब्बत करेगा जिस उसी के साथ रहेगा जिससे तू मोहब्बत करता है चुनाचे इसी से इसी मजमून से रिलेटेड एक और हदीस हजरत अबूजर रिवायत करते हैं अनु उन्होंने आकाय करीम सल्मा से अर्ज की या रसूल वला का या रसूल अल्लाह एक शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उनके अमल जैसा अमल करने की उसमें इस्तात नहीं उन जैसा अमल नहीं कर सकता सिर्फ मोहब्बत करता है मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा अगर चेक अमल उन जैसा अमल नहीं करेगा लेकिन मोहब्बत ही की वजह से तो उनके साथ रहेगा तो हजरत अबू जर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करता हूँ गन अहबता तो आकाय करीम ने रिशात फरमाया इसीलिए लिए ए अबू जर तू अल्लाह और उसके रसूल के साथ तू उससे जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहेगा तो इस मौके पर हजरत सैदी शेख उम सद मोहम्मद बादशाह हुसैनी लईक रहमत ला तलाम में इशाद फरमाते हैं गलत नहीं है अगर कहूँ मैं वो साथ मेरे मैं साथ उनके लईक ममन अहब के फरमा में क्या किसी को कलाम होगा लईक ममन अहब के फरमा में क्या किसी को कलाम होगा अल्लाह पाक हमें सबसे ज्यादा अपनी जान अपनी आल औलाद हम सबसे बढ़कर हर शय से बढ़कर उसकी और उसके महबूब की मोहब्बत हमें अता फरमाए टूट टूट कर हमें उससे मोहब्बत करने की दौलत से सरफराज फरमाए वाखिर अनिल्ल रब